हेलो चिल्ड्रेन, माय नेम इज भक्ति मुसरे। आई एम योर म्यूजिक टीचर। लास्ट म्यूजिक क्लास में हमने राग यमन सीखा था। इस म्यूजिक क्लास में हम जानेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है और उसमें राग का महत्व क्या है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सबसे पुराने हिंदू शास्त्र सामवेद से मानी जाती है। इसमें सा रे ग म प ध नि सा, ये 8 सुरों के साथ संगीत की पूर्ण संगीत प्रणाली है। इसको एक लय में गाया जाता है। पहले वीडियोस में हमने अलंकार की प्रैक्टिस की थी, उसमें हमने लय के साथ अलंकार गाए थे, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा। ये अलंकार को गाते वक्त एक लय हमने मेंटेन की थी। इसी प्रकार हर अलंकार लय से गाया जाता है। भारतीय संगीत के विभिन्न रूप है, जैसे कि ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गजल, चैती, कजरी, ध्रुपद, धमार, होरी, अष्टपाणी और भजन। इस प्रकार के विभिन्न रूप हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में पाए जाते हैं। अभी जानेंगे राग होता क्या है। राग सुरों के आरोह अवरोह का ऐसा नियम है जिससे संगीत की रचना की जाती है, जिससे गीत बनाया जाता है। राग शब्द संस्कृत की रंज धातु से बनाया है। रंज मतलब रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग भर के उसके तस्वीर को और ही सुंदर बनाता है, वैसे ही संगीतकार, संगीतज्ञ, गायक मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंग देता है। आपको वो मुहावरा तो पता ही होगा, रंग में रंगना। इसका अर्थ यही है कि सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना। मतलब कोई काम करते वक्त हम उसमें ही मगन हो जाते हैं और वो काम हमारा अच्छा हो जाता है। संगीत का भी यही असर होता है। जो रचना, जो गीत मनुष्य के मन को आनंद से रंग दे, उसे ही राग कहते हैं। हर राग का अपना एक रूप होता है, जो उसमें लगने वाले स्वरों और लय पर आधारित होता है। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों से मिलकर राग बनाया जाता है। तो बच्चों, आज हमने जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का महत्व क्या है और राग की निर्मिति कैसे होती है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स, मतलब मूवी सॉन्ग किसी न किसी राग पर आधारित होते हैं। अभी अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग है, वो राग यमन पर आधारित है। वो मैं आपको गा के दिखाती हूँ और आप ज़रूर सुनिए वो सॉन्ग, आपको उसमें राग यमन की छवि दिखाई देगी। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, ये अरिजीत सिंह ने गाया हुआ सॉन्ग राग यमन पर ही आधारित है। आप ये सुनो और मुझे बताओ आपको राग यमन कैसे लगा।